कपिल देव की टीम का 1983 में लॉर्ड्स में सफेद जर्सी पहनकर विश्व कप जीतना महेंद्र सिंह धोनी के लिए प्रेरणा बन गया और फिर उनकी अगुवाई में भारत ने 2007 और 2011 में अलग अलग तरह की नीले रंग की जर्सी में खिताब जीता तथा उन्हें भारतीय जर्सी की इस विरासत को भावी पीढ़ी को सौंपने पर गर्व है। भारतीय टीम की विश्व कप 2019 की जर्सी शुक्रवार को लॉन्च कर दी गई और इस अवसर पर पूर्व कप्तान एमएस धोनी, वर्तमान कप्तान विराट कोहली, टेस्ट उप कप्तान अजिंक्य रहाणे और युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ भी उपलब्ध थे। धोनी से पूछा गया कि भारतीय जर्सी उन्हें क्या याद दिलाती है तो दो बार के विश्व चैंपियन ने कहा, यह हमेशा मुझे उस विरासत की याद दिलाती है जो हमें मिली है। सिर्फ यही नहीं, प्रत्येक द्विपक्षीय श्रृंखला में खेलना, सभी प्रारूपों में नंबर एक पर पहुंचना, ये सभी प्रेरणादायी तत्व इससे जुड़े हुए हैं। धोनी ने पूरे सम्मान के साथ 1983 की कपिल की अगुवाई वाली टीम विश्व कप में जीत का जिक्र किया। उन्होंने कहा, पुरानी यादों को ताजा करना अच्छा लगता है। विश्व कप 1983 के दौरान हम काफी युवा थे। बाद में हमने वीडियो देखे कि किस तरह से हर कोई जश्न मना रहा है। हमने 2007 विश्व कप T20 का खिताब जीता। यह अच्छा है कि हमने उस विरासत को आगे बढ़ाया और भावी पीढ़ी को सौंपा। धोनी ने कहा, उम्मीद है कि नई जर्सी विश्व कप टीम का हिस्सा बनेगी जिससे हमें अपनी निरंतरता पर गर्व है। कोहली ने इस अवसर पर कहा, इस जर्सी के साथ एक महत्व और सम्मान जुड़ा हुआ है। सभी को इसका एहसास होना चाहिए। आपके अंदर जीत का जज्बा होना चाहिए, तभी आप इस जर्सी को हासिल करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इंडियन टीम की ये जर्सी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिक आकाश को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।